सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं करने वाली हूँ इनका पार्टी मेकअप। इनके भाई की शादी थी तो ये आई थी, ये मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आई थी। तो सबसे पहले मैंने इनका वेट वाइप से फेस मतलब साफ़ किया एंड मतलब नेक भी साफ़ किया। आप क्लिंजर भी यूज़ कर सकते हो, क्लिंजर बहुत ही बेस्ट रहता है, बेस्ट ऑप्शन है। देन आज मैंने स्टार्ट किया आई मेकअप से। मैंने सबसे पहले इनके आईज़ पे लगाया कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। तो या आईज़ पे ना कभी भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के कंसीलर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर ना पैची पड़ जाता है और वो मतलब फट जाता है। तो आप डायरेक्ट पहले कंसीलर ही लगाओ। एंड आईज़ के लिए आप जितना वाइट कंसीलर लोगे उतना ही मतलब आई मेकअप आपका अच्छा दिखेगा, आईज़ आपकी पॉप आउट होकर दिखेगी अच्छी खासी। वैसे इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे थे, आप देख सकते हो इनके आईब्रो वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, आईज़ वगैरह काफ़ी सुंदर थे। देन मैंने उसके बाद स्टार्ट किया आई मेकअप। मैंने इनसे पूछा कि आपको मतलब ड्रेस के हिसाब से चाहिए कि किस मतलब किस टाइप से आई मेकअप चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ही नेचुरल सा चाहिए एकदम से, नहीं तो मैं इन्हें देने वाली थी इनके मतलब ब्लू कलर का इनका लहंगा था, तो स्काई ब्लू कलर का मैं आई मेकअप करने वाली थी। बट इन्होंने बोला कि नहीं, आप बहुत ही नेचुरल करो एकदम से, जो मतलब ज़्यादा दिखे ना। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड से क्रीज लाइन पे मतलब ब्लेंडिंग स्टार्ट की। अच्छा, आई मेकअप में ना सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ब्लेंडिंग। वैसे तो पूरे मेकअप में ही ब्लेंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपका हाथ जितना अच्छे से ब्लेंड करने लगेगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। हाँ, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करना, ओवर ब्लेंडिंग हो जाती तो सारा प्रोडक्ट हाथ में आ जाता, सारा निकल जाता। तो मतलब हिसाब भर कोई भी चीज़ का। अच्छा, जो मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ वो है बेली के, एंड मैंने जो आई पैलेट यूज़ किया है वो है आई मैजिक का। तो आप बेस भी स्टार्ट कर सकते हो पहले और आई मेकअप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो। क्योंकि मेकअप में कोई रूल नहीं होता कि आप पहले आई मेकअप ही करो या फिर पहले बेस ही करो। आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, आप वो करो। पहले बहुत पहले ऐसा होता था कि पहले मैं आईब्रो करती थी फिर उसके बाद आई मेकअप करती थी। वैसे फ़ायदा ये रहता है आई मेकअप करने से पहले कि जो आपके आई शेडो रहते हैं वो जो नीचे गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो आप उन्हें ना हटा सकते हो एंड देन उसके बाद बेस बना सकते हो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि बेस बनाने के बाद अगर आप उसे हटाओगे ना तो वो आई मतलब जो नीचे का वो रहता है ना वो ख़राब हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने जो शेडोज़ गिर गए थे नीचे तो उन्हें मैंने क्लीन किया वेट वाइप से। एंड देन मैं इनका करने लगी आईब्रो। आईब्रो इनके मतलब काफ़ी मतलब अच्छी खासी थी, तो मैंने बहुत ही हल्की हल्की सी की। वैसे मैंने पाउडर आईब्रो यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं क्रीम बेस यूज़ करती तो उनके बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइट सा होता, तो मुझे लगा कि नहीं, पाउडर सही रहेगा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉइस्चराइजर बाद में क्यों लगा रही हूँ, पहले क्यों नहीं लगाया था। पहले लगा सकती थी मैं, बट क्या है ना कि अभी ठंडी का मतलब सॉरी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पहले से मैं लगा देती तो इनका फेस पहले से भी वो हो जाता, एकदम से ऑयली ऑयली सा हो जाता। तो मुझे लगा कि जब मैं मेकअप स्टार्ट करूँ, बेस स्टार्ट करूँ, तभी मैं लगाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे गर्मियों में ना आप मॉइस्चराइजर को अवॉइड ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि इनकी स्किन थोड़ी ड्राई थी तो मुझे लगा कि नहीं, बिना मॉइस्चराइजर के नहीं, हल्का सा तो लगाना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद मैंने लगाया कलर बार का प्राइमर। प्राइमर ना सिर्फ वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे आपके पोर्स हों, पूरे फेस में उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरे फेस में खूब सारा ले लो और फिर उसको रगड़ लो। हाँ, उसे रगड़ना भी नहीं चाहिए, उसको मतलब हल्के हाथ से बस ऐसी मतलब ब्लेंड कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रगड़ोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि वो ना रबड़ जैसे निकल आता है। एंड देन उसके बाद मैंने लगाया करेक्टर ऑरेंज कलर का। वैसे आप करेक्टर की जगह ना डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, जो एक स्किन से एकदम मतलब मैच होती रहे वैसा कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगा कि चलो यार करेक्टर पहले कर देते हैं। एंड देन उसके बाद क्या, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। पूरे फेस में करेक्टर नहीं लगाया जाता, जहाँ पर सिर्फ डार्क एरिया होता है सिर्फ वहीं पर लगाया जाता है और वहीं पर ब्लेंड भी किया जाता है। अगर आपके पास दो तीन ब्लेंडर है ना, ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप मतलब सही है। क्योंकि एक ही ब्लेंडर से काम करने में ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो गंदा हो जाता है, तो सही नहीं रहता। लेकिन अगर आप प्रो हो ना तो आप एक ही ब्लेंडर से बहुत कुछ कर लोगे, यहाँ तक कि एक ब्रश से ही बहुत कुछ कर लोगे। आपको 100 ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर 100 ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं होगी। एंड देन उसके बाद मैंने इनके फेस से मिलता जुलता कंसीलर लगाया। वैसे मेरी आवाज़ इस टाइम पे ख़राब हो रखी है, बिकॉज़ मुझे जुकाम है थोड़ी सी और थोड़ा सा मैं दो तीन दिन से रो दी थी, तो इस वजह से। वैसे जो मैंने ब्लेंडर लिया है वो है PAC का, और ये मुझे 550 का पड़ा था। ये मैं मंगाई थी जब, तो मेरे घर में बोले सब कि ये क्या स्पंज जो 5 रुपये वाला 550 का लेके आई है। तो
यार होता है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो अगर हम लोग मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं ना, तो हम लोग को ऐसे ही सुनने को मिलता है कि ये क्या है, इसको मतलब लूट लिया तेरे को, ये क्या कर ली, इतना महंगा, ये बाप रे बाप। मैं तो जब पहली बार सामान वाले ले रही थी ना प्रोडक्ट्स वगैरह, तो बाप रे इतना सुनने को मिला था ना मुझे घर से कि क्या कर रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये वो, बहुत ही ज़्यादा। बट एक बार काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। नहीं तो स्टार्टिंग में सबके घर वाले कि क्या है, इससे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई लिखाई करो, ये वो। बल्कि अब तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं। एंड देन मैंने उसके बाद लगाया था इनके पर बेस, मैंने बेस 2 कलर का लगाया था, एंड मुझे अभी शेड नहीं याद है, बट मैंने 2 कलर का लगाया था, एक ज़्यादा थोड़ा वाइट हो गया था, और तो फिर मैंने इनके स्किन से मैच करके एक लगा दिया था। एंड देन उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर मतलब स्प्रे किया इनके फेस में, एंड देन उसके बाद मैंने किया ब्लेंड। तो फेस के साथ साथ नेक पे भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेक हमारा नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो अलग से दिखेगा। एंड देन उसके बाद मैंने किया हाईलाइट कंसीलर से, ये एल्फ का कंसीलर है। मैंने बहुत ही कम कम हाईलाइट किया था, बिकॉज़ इन्हें बहुत लाइट सा मेकअप चाहिए था, और इनका पार्टी मेकअप था, साइड मेकअप था, बट हमारी साइडर्स भी कमज़ोर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा ही बेस वेस बनाओ भाई, क्योंकि हमारा ही नाम होगा कि कहाँ से मेकअप करा के आई हो, है ना। इन्हें स्टार्टिंग आप ये मत देखो कि आपको कोई कितना पैसा दे रहा, तो आप उतना ही दोगे, ठीक है। आप ना मतलब ये देखो कि आप कम पैसे में भी उसको ना बेस्ट करके दो, ताकि वो दोबारा आए और 10 जगह नाम भी बताए आपका कि यहाँ से कराया मेकअप मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने किया बेकिंग। बेकिंग बहुत ही अच्छे से करना है यार, क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है, तो अगर आप बेकिंग अच्छे से नहीं करोगे तो सारा मेकअप हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेकिंग बहुत ही अच्छे से करना है। वैसे समर्स में ना पसीने को तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कि आप सोचो कि आप डांस करोगे और आपका मेकअप स्टे रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप एसी में मेकअप कर रहे हो, जिस टाइम पे आप मेकअप कर रहे हो, अगर आप एसी में कर रहे हो, तो मेरे घर में एसी तो लगा है यार तो उस टाइम पे अगर अच्छे से बेस सेट हो गया ना, तो वो कुछ देर तक स्टे रहेगा, ठीक है। और अगर आपको तब भी पसीना आ रहा ना, तो आप एसी से निकलो ही मत, ठीक है ना। मतलब एसी के सामने बीच बीच में रहो, बीच बीच में डांस करो, ये नहीं कि मतलब हर टाइम डांस करो। तो फिर ऐसे में ना पूरा जो फेस का मेकअप कराया ना आपने, तो वो पूरा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पेंट पुट्टी नहीं हो रही है, वो भी परमानेंट के लिए, सिर्फ मेकअप हो रहा है, वो भी 5-6 घंटे के लिए, कि 5-6 घंटे वो स्टे रहे, तो उसको आप संभालो, ठीक है। एंड देन मैंने उसके बाद यूज़ किया था ब्लश। ब्लश था मेरा आई मैजिक का ही था। एंड देन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर का मेरा ऊपर का टूट गया है यार, पैलेट्स जब टूटते ना तो मतलब दिल भर आता है, बाप रे, इतने मेहनत से आदमी इतने पैसे लगा के ख़रीदता है, और वो चीज़ टूट जाती है ना, तो लगता है कि अरे यार क्या ही बताएं अब। एंड देन मैंने उसके बाद लगाया था काजल। काजल लगाते टाइम इन्हें आंसू आने लगे थे, तो मैंने ईयरबड से इनके आंसू साफ किए। ईयरबड वगैरह तो रहना चाहिए यार हमेशा आपके वारंटी में, क्योंकि आंसू वगैरह तो सबको आ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को आ ही जाते हैं, क्योंकि सबकी आंखें सेंसिटिव होती है आजकल, तो सबकी ही रहती हैं सेंसिटिव आंखें। एंड देन उसके बाद मैंने आई शेडो से नीचे ब्लेंडिंग की। काजल से तो छोड़ो, इन्हें आई शेडो से भी आंसू आ रहे थे, तो फिर से मैंने इनके आंसू आंसू साफ किए। एंड देन उसके बाद मैंने लगाया लाइनर। लाइनर इन्हें बहुत ही पतला सा चाहिए था। एंड बीच बीच में मैं ये जो दिख रही हूँ ना चश्मा लगा के, ये घर का कपड़ा पहन के, तो यार मैं घर से ही काम करती हूँ यार, और मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में, तो आप लोग मुझे मत देखना, ठीक है, क्योंकि घर में मैं बहुत ही गंदे तरीके से रहती हूँ। हालांकि घर में तो सभी ऐसे ही रहते हैं, लोअर टी शर्ट में ऐसे ही। एंड देन उसके बाद मैंने किया इनका आईलैशेस कर्ल। एंड देन उसके बाद लगाया मैंने मस्कारा। मस्कारा लगाते टाइम ना आप ना ज़्यादा मतलब आप ना ज़्यादा ऊपर देखो ना ज़्यादा नीचे देखो, बीच में देखो तो वो सही रहता है, क्योंकि अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर लग जाएगा, नीचे देखोगे तो नीचे लग जाएगा, इसलिए बीच में रखो। एंड गाइस लिपस्टिक लगाते टाइम लाइट चली गई थी, तो मैंने फ्लैश लाइट में, ये फ्लैश लाइट ऑन है, तो वहाँ तब मैंने लिपस्टिक लगाई थी। होता है यार ऐसे बहुत बार हुआ है, कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक लड़की का कर्ल हो ही नहीं पाए थे, हेयर स्टाइल हो ही नहीं पाई थी, मैंने मेकअप तो कर दिया था, लेकिन लाइट के बिना हेयर स्टाइल कैसा होगा। फिर उसके बाद वो लड़की ओपन ही करके चली गई थी। एंड गाइस ये हो चुकी है लगभग रेडी, तो ये रहा इनका फाइनल। मैं बहुत थोड़ा सा वीडियो शूट कर पाई थी यार, मैंने रील के लिए ज़रूर शूट किया था, तो वही देख लो आप, हालाँकि ये छोटे में आ रहा है, बट देख लो आप कैसे लग रहे हैं, और ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसा लगा वीडियो। बाय बाय।